हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल घर बनाओ में, जहां हम लाते हैं आपके लिए कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन और होम इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड वीडियोस। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप बिना किसी इंटीरियर डिज़ाइनर को हायर किए अपने सिंपल से घर को तब्दील कर सकते हैं एक कंटेम्प्रेरी स्टाइल में। हम बात करेंगे कंटेम्प्रेरी स्टाइल के बारे में, कंटेम्प्रेरी स्टाइल के की एलिमेंट्स के बारे में और कुछ डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के बारे में। तो बिना वक्त को ज़ाहिर किए वीडियो शुरू करते हैं। अक्सर लोग कंटेम्प्रेरी स्टाइल को मॉडर्न स्टाइल समझने की गलती करते हैं। जी हाँ, मॉडर्न स्टाइल 1930s में आया एक स्टाइल था, लेकिन कंटेम्प्रेरी स्टाइल 1970s में आया एक स्टाइल है। जी हाँ, 1970s में आया ये स्टाइल आज भी इतना पॉपुलर क्यों है? उसका जो सबसे बड़ा रीज़न है वो है कि ये स्टाइल है एवर चेंजिंग स्टाइल, हमेशा इमर्जिंग ट्रेंड्स के साथ अडेप्ट होने के लिए तैयार रहता है, इसलिए ये है हाईली वर्सेटाइल स्टाइल। कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन में आपको देखने को मिलेंगे कुछ दूसरे डिज़ाइनों की झलकियाँ भी, जैसे कि मिनिमलिस्ट डिज़ाइन, स्कैंडिनेवियन डिज़ाइन, मॉडर्न डिज़ाइन। मेनली बात करें तो ये डिज़ाइन फेवर करता है सिंप्लिसिटी को, न्यूट्रल कलर्स को। दिस स्टाइल इज़ ऑल अबाउट द क्लीन लाइन्स, स्मूद एंड क्रिस्पी। ये डिज़ाइन फेवर करता है सिंप्लिसिटी को और सेंस ऑफ ओपननेस को। इस स्टाइल में आपको दिखता है मिनिमलिस्ट अप्रोच, इसीलिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का कलेक्शन नहीं किया जाता, इसीलिए कंटेम्प्रेरी स्टाइल अनक्लटर लगता है और इसलिए ये स्टाइल दिखता है ज़्यादा एलिगेंट। अब बात करते हैं इस स्टाइल के की एलिमेंट्स और डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के बारे में। यहाँ आपको देखने को मिलती हैं क्लीन लाइंस, स्मूथ एंड क्रिस्पी, हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस। इसीलिए ये थोड़ा सा मैस्कुलिन स्टाइल है, लेकिन अगर आप इसमें कर्व्स ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा एक फेमिनिन स्टाइल भी। बात करें मटेरियल की तो यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं नेचुरल मटेरियल, जैसे कि कार्व्ड वुड, एक्सेंट मेटल्स, ग्लास, कंक्रीट या इंडस्ट्रियल इंस्पायर्ड एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी एलिमेंट्स आपके स्पेस में डेप्थ को ऐड करते हैं और एक कॉन्ट्रास्टिंग इफेक्ट भी जनरेट करते हैं। बात करें फर्नीचर की तो लो प्रोफाइल सोफ़ा या लो प्रोफाइल बेड का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि टक्सीडो सोफ़ा, जिसकी हाइट छोटी होती है और चौड़ाई ज़्यादा। दिस स्टाइल इज़ ऑल अबाउट द कम्फर्ट, इसीलिए इसकी चौड़ाई नॉर्मल से ज़्यादा रखी जाती है। इसके अलावा फर्नीचर में एक्सपोज्ड लेग्स या स्लिम बेसिस का इस्तेमाल किया जाता है, ये आपके स्पेस में सोफेस्टिकेशन और कंफर्ट को ऐड करते हैं। बात करें फ्लोर की तो वुड, टाइल, विनाइल जैसे मटेरियल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्टाइल में फ्लोर को ज़्यादातर एक्सपोज्ड ही रखा जाता है और अगर आप चाहें तो प्लश रग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं कलर स्कीम की। बात करें कलर की तो कंटेम्प्रेरी स्टाइल में न्यूट्रल कलर का ही इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ग्रे, बेज, ब्लैक, ब्राउन और वाइट। इसके अलावा आप प्योर कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन छोटी सी अमाउंट में ही, कोई एक्सेंट क्रिएट करने के लिए या फिर किसी आर्ट के रूप में या कोई पिलो कवर या रग्स के फॉर्म में। इसके अलावा आप कुछ ह्यूज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पेस्टल्स कलर का इस्तेमाल यहाँ नहीं होता। इसके अलावा आप क्रिएट कर सकते हैं मोनोक्रोमेटिक स्टाइल, जैसे कि वाइट कलर में। अब बात करते हैं टेक्सचर्स की। वैसे तो ये स्टाइल जाना जाता है अपने टेक्सचर के लिए, इसीलिए आपको अपनी स्पेस में मोनोटनी को अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि फर्नीचर जो कि शार्प लाइंस के हैं, उन्हें आप एक राउंड एज्ड अपहोल्स्ट्री का इस्तेमाल करके सॉफ्टन कर सकते हैं। इसके अलावा नेचुरल स्टोन वॉल का वुडन एक्सेंट के साथ इस्तेमाल कर एक वार्मर लुक क्रिएट किया जा सकता है। अब बात करते हैं शेप्स की। शेप किसी भी स्पेस में एक इंटरेस्ट को ऐड करते हैं। वैसे भी कंटेम्प्रेरी स्टाइल जाना जाता है अपने क्लीन आर्किटेक्चरल लाइंस के लिए। इस स्टाइल में यूज होने वाली लाइंस होती हैं क्रिस्पी और स्ट्रॉन्ग, और आप एंगुलर शेप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फैब्रिक की। कंटेम्प्रेरी स्टाइल में आप नेचुरल फैब्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉटन, लिनन, सिल्क, जूट, वूल, लेदर, आप इनमें से किसी भी तरह का मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्टाइल में यूज़ होने वाली वुड या तो लाइट कलर की होगी या फिर डार्क कलर की, लेकिन मीडियम कलर की वुड का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये स्टाइल फेवर करता है मिनिमलिस्ट अप्रोच को, इसीलिए यहाँ पर एक क्लेवर स्टोरेज का इस्तेमाल किया जाता है। ये स्टाइल है एक सस्टेनेबल डिज़ाइन,
जो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी जाना जाता है। आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं कोई भी रिसाइकल्ड मटेरियल, जिससे आपकी स्पेस की ऑप्टिमाइजेशन भी बनी रहती है और ये एफिशिएंसी के ऊपर भी फोकस करता है। बात करें पैटर्न्स की, तो इसमें ज्योमेट्रिक पैटर्न्स का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दूसरे पैटर्न्स इसमें देखने को नहीं मिलते। बात करें लाइट की, ये डिज़ाइन फेवर करता है लार्ज ओपन स्पेस को, और साथ ही इस स्टाइल में लाइट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं बड़े बड़े विंडोज़ और उन्हें अनकवर्ड ही रखा जाता है। अगर आप इसमें कर्टन लगाने का भी सोच रहे हैं तो सिर्फ शीयर कर्टन्स का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि लाइट आने में कोई दिक्कत ना हो और कमरा हमेशा स्पेशियस ही लगे। इसके अलावा आर्टिफिशियल लाइट में रिसेस्ड लाइट का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि डायरेक्टली सीलिंग वॉल या सर्फेसेस में इस्तेमाल की जाती हैं। इस स्टाइल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल ट्रैक लाइट का किया जाता है, जो कि किसी भी स्टेटमेंट पीस को हाईलाइट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसके अलावा फ्लोर लैम्प्स, स्टेटमेंट शैंडलियर्स और पेंडेंट लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। फोकल पॉइंट, इस स्टाइल का फोकल पॉइंट है इसके बिग आर्ट पीसेस। जी हाँ, आर्ट पीसेस ऐसे जो चाहे तो हों किसी ज्योमेट्रिक पैटर्न में या फिर कोई ब्लैक एंड वाइट पेंटिंग में, इस तरह के आर्ट पीसेस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करते हैं डेकोर की। ये स्टाइल है डेकोर को लेकर थोड़ा ज़्यादा लिबरल। आप इस्तेमाल कर सकते हैं ऑर्गेनिक एक्सेंट्स को, इसलिए इस स्टाइल में आपको देखने को मिलेंगे यूनिक डेकोर आइटम्स और आर्टवर्क्स। वैसे आपको ऐसे ही आर्टवर्क्स या डेकोर आइटम्स चूज करने चाहिए जो आपकी पर्सनालिटी के साथ रेजोनेट कर सकें। इससे आप अपनी स्पेस में एक पर्सनल टच भी ऐड कर सकते हैं। नेचर इंडोर, इस स्टाइल में आप यूज़ कर सकते हैं बड़े बड़े प्लांट्स, जो कि आपकी स्पेस में ग्रीनरी को ऐड करते हैं और एक नेचुरल टेक्सचर को भी ऐड करते हैं। आप अपने प्लांट्स के लिए इंडस्ट्रियल स्टाइल की शेल्विंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हमने बात की कंटेम्प्रेरी डिज़ाइन के बारे में। इसके अलावा हम और ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हम फिर एक बार लाएंगे आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो। तब तक के लिए कीप डिजाइनिंग एंड स्टे क्रिएटिव।